आप सुन रहे हैं खूनी किस्सा शैलेश के साथ। घना अंधेरा और ऊपर से उसमें जोरों से बरसती बारिश, सारा आसमंत झिंगरों के किर्र किर्र आवाजों से गूंज रहा था। एक बंगले के बगल में खड़े एक विशालकाय वृक्ष पर एक बारिश से भीगा हुआ उल्लू बैठा हुआ था। उसकी इधर उधर दौड़ती नजर आखिर सामने बंगले के एक खिड़की पर जाकर रुकी। वह बंगले की इकलौती ऐसी खिड़की थी कि जिससे अंदर से बाहर रोशनी आ रही थी। घर में उस खिड़की से दिख रहा वह जलता हुआ लाइट छोड़कर सारे लाइट्स बंद थे। अचानक वहां उस खिड़की के पास आश्रय के लिए बैठा कबूतरों का एक झुंड वहां से फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। शायद वहां उन कबूतरों को कोई अदृश्य शक्ति का अस्तित्व महसूस हुआ होगा। खिड़की के कांच सफेद रंग के होने से बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिख रहा था। सचमुच वहां कोई अदृश्य शक्ति पहुंच गई थी, और अगर पहुंच गई थी तो क्या उसे अंदर जाना था? लेकिन खिड़की तो अंदर से बंद थी। बेडरूम बेड पर कोई सोया हुआ था। उस बेड पर सोए साए ने करवट बदली और उसका चेहरा उस तरफ हो गया, इसलिए वह कौन था यह पहचानना मुश्किल था। बेड के बगल में एक ऐनक रखी हुई थी। शायद जो भी कोई सोया हुआ था उसने सोने से पहले अपनी ऐनक निकालकर बगल में रख दी थी। बेडरूम में सब तरफ दारू की बोतलें, दारू के ग्लास, न्यूज़पेपर्स, मासिक पत्रिकाएं इत्यादि सामान इधर उधर फैला हुआ था। बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और उसे अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। बेडरूम को सिर्फ एक ही खिड़की थी और वह भी अंदर से बंद थी, क्योंकि वह एक एसी रूम था। जो साया बेड पर सोया था उसने फिर से एक बार अपनी करवट बदली और अब उस सोए हुए साये का चेहरा दिखने लगा। स्टीवन स्मिथ, उम्र लगभग 25-26, पतला शरीर, चेहरे पर कहीं कहीं छोटे छोटे दाढ़ी के बाल उगे हुए, आंखों के आसपास ऐनक की वजह से बने काले गोल गोल धब्बे। वह कुछ तो था जो धीरे धीरे स्टीवन के पास जाने लगा। अचानक नींद में भी स्टीवन को आहट हुई और वह हड़बड़ा कर उठ गया। उसके सामने जो भी था वह उस पर हमला करने के लिए तैयार होने से उसके चेहरे पर डर झलक रहा था। पूरा बदन पसीना पसीना हुआ था। वह अपना बचाव करने के लिए उठने लगा, लेकिन वह कुछ करे इसके पहले ही उसने उस पर अपने शिकार पर हमला बोल दिया था। पूरे आसमंत में स्टीवन की एक बड़ी दर्दनाक असहाय चीख गूंजी और फिर सब तरफ फिर से सन्नाटा छा गया एकदम पहले जैसा। और अब आप कहानी से बाहर आ जाइए अपनी दुनिया में, क्योंकि शायद आपके पीछे कोई खड़ा है, वही साया।